नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजस्थान की बच्चों को लेकर आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में पहली खबर आरपीएस से है कल आरपीएससी के कार्यवाह अध्यक्ष डॉक्टर राठौड़ का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा इसके बाद में नई आर ग्रेड भर्ती ग्रेड भर्ती और आर एफ मुख्य परीक्षा दो स्थगित होगी या अपने तय समय पर होगी इन सभी की जिम्मेदारी नए आरपीएससी अध्यक्ष पर होगी ऐसे में दोस्तों आज या कल में संभावना है की सरकार के द्वारा नई आरपीएससी अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी दूसरी और दोस्तों पटवारी परीक्षा पैना नाम को लेकर जो भी चल ले कोई कोई क्षा के परिणाम पर अभ्यर्थियों की आपत्ति के बाद बोर्ड ने इसे नॉर्मेलाइजेशन कमेटी के समक्ष विचार रखने का फैसला किया है यानी बोर्ड ने बिना नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हरी झंडी के परिणाम जारी किया है अगली खबर दोस्तों टेनोग्राफर भर्ती को लेकर है अभ्यर्थियों के द्वारा बोर्ड अध्यक्ष को इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस भर्ती में न अपनाई जाए अब बात करते हैं रीट भर्ती विवाद के बारे में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी क्या यूपी के मुख्यमंत्री की तरह आप भी पेपर लीक मामले में आरोपियों पर कार्रवाई करने की हिम्मत रखते हैं या केवल खोखले दावे ही करते रहते हैं उन्होंने कहा कि रीट का पेपर शिक्षा संकुल से आउट हुआ है जिस पर एसओ ने मुहर लगा दी है अब तो कार्यवाही कीजिए दोस्तों भर्ती से संबंधित रेगुलर अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा